मध्य प्रदेश का दिल देखो। दिल देखो, अरे भाई, मध्य प्रदेश के दिल और संस्कृति के साथ मध्य प्रदेश की सेहत भी तो देखो। मध्य प्रदेश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। यहाँ 60% महिलाएं, 36% पुरुष और 60% 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। पर इससे भी अधिक बड़ी समस्या है विटामिन और खनिज लवणों जैसे सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों की कमी। इनमें प्रमुख है लोह तत्व, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन ए। इन पौष्टिक तत्वों के अभाव में पनपते हैं एनीमिया और रतौंधी जैसे रोग। एनीमिया यानी खून की कमी के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष, अमीर या गरीब, सभी इनके शिकार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 60% महिलाओं, 25% पुरुषों और 80% 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी पाई जाती है। और यह एनीमिया केवल गरीब परिवारों तक ही सीमित नहीं है। जहां गरीब परिवारों के 80% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं, वहीं मध्य व उच्च वर्ग के भी 67% बच्चों में एनीमिया पाया जाता है। इन पौष्टिक तत्वों की कमी से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नवजात शिशुओं में जन्म दोष हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है और रोगों से लड़ने की शक्ति घट जाती है। वयस्क लोगों में एनीमिया से थकान और कमजोरी अधिक बढ़ जाती है और काम करने की क्षमता लगभग 30% घट जाती है, जिसका सीधा असर कमाई यानी आय पर पड़ता है। जरा सोचिए कि ऐसा क्यों है। विभिन्न कारणों से मध्य प्रदेश में दूध, फल और सब्जियों का सेवन बहुत कम है और यही है विटामिन और लोह तत्वों के अच्छे स्रोत। अतः इन पौष्टिक तत्वों की कमी होना स्वाभाविक है। क्या इस समस्या का कोई निदान है? जी हाँ, इसका एक बहुत ही सरल उपाय है, फोर्टिफाइड यानी पौष्टिक आटे का सेवन, जिसमें डाले गए हैं सब्जियों और फलों में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के गुण। मध्य प्रदेश में सभी लोग तीनों समय के भोजन में आटे का सेवन करते हैं और अगर हम इस आटे में पौष्टिक तत्व मिलाकर उसे फोर्टिफाई कर दें तो यह पौष्टिक तत्व हमें बहुत आसानी से रोजाना प्राप्त होते रहेंगे। फोर्टिफिकेशन से आटे का रंग रूप नहीं बदलता और ना ही बदलता है इससे बनी रोटी का स्वाद। बदलते हैं तो केवल इसके पौष्टिक गुण, जो और अधिक बढ़ जाते हैं और हमें देते हैं अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, चुस्ती और तेज दिमाग। फोर्टिफिकेशन से आटे को अधिक पौष्टिक बनाना कोई नई बात नहीं है। विदेशों में फोर्टिफिकेशन पिछले 70 वर्षों से किया जा रहा है और भारत में भी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो फिर मध्य प्रदेश ही पीछे क्यों रहे? इस सोच को वास्तविकता में बदला है मध्य प्रदेश की रोलर फ्लोर मिल्स यानी आटे की बड़ी मिलों ने। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और गेन के सहयोग से मध्य प्रदेश की रोलर फ्लोर मिल्स आपके लिए लाए हैं फोर्टिफाइड यानी पौष्टिक आटा। बड़ी मिलों में गेहूं को बढ़िया तरीके से साफ करके आधुनिक मशीनों द्वारा पीसा जाता है ताकि आटे की शुद्धता बनी रहे। पैकिंग से पहले इस आटे में पौष्टिक तत्व मिलाए जाते हैं ताकि शुद्धता के साथ साथ आटे की गुणवत्ता भी बढ़ जाए। अब आपके मनपसंद आटे के ब्रांड जैसे कमांडर चक्की आटा, देवास गोल्ड, सर्वोत्तम, मालवा गोल्ड, कुकवेल, सिल्वर कॉइन और कमल किशोर फोर्टिफिकेशन के बाद और भी अधिक पौष्टिक हो गए हैं, क्योंकि अब यह सब आटे विटामिन और लोह शक्ति से भरपूर है।
आपके यह मनपसंद ब्रांड 5 किलो और 10 किलो के बैग में आपकी निकटतम किराने की दुकान में भी उपलब्ध है। अब इंतजार कैसा, जाइए अभी ले आइए अपना मनपसंद फोर्टिफाइड आटा, जो आपको और आपके परिवार को बनाएगा अधिक स्वस्थ और खुशहाल, और आपके बच्चों का होगा बहुमुखी विकास।